हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जिसका नाम है गणित मंथन। चैप्टर उसका पढ़ रहे हैं फर्स्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, दैट इज रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1I। लंबा चैप्टर है, बहुत सी एक्सरसाइज अभी इसमें बची हुई हैं। पिछली जितनी भी एक्सरसाइज हमने करा दी उनकी लिंक भी आपको इसके वीडियो में हम दे देंगे, आप अगर उन किसी को देखना चाहो तो देख सकते हो। तो 1I में जो हमें पढ़ना है, पहले हम उसकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 1I एक्सरसाइज हमें ये पढ़ना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो कितनी होती हैं और उन्हें निकालने के तरीके क्या हैं। परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइटली यानी बहुत सी परिमेय संख्याएं होती हैं, पहली बात होगी हमारी। अगर हम आपसे ये पूछें कि कोई दो रेशनल नंबर हमारे पास हैं, जैसे मान लीजिएगा एक रेशनल नंबर हमारे पास 1/2 है और एक 1/3 है, क्या इनके बीच में कुछ संख्या है। बीच में मतलब है कि ये दो नंबर बाउंड्री लाइन पर हैं, जैसे इस प्रकार से हम नंबर लाइन खींच रहे हैं आपकी, तो ये संख्याएं यहाँ तो हमारा 0 होगा और वन के ये 1 होगा, 1 1 और ये 2 और ये 3 होगा, तो ये हमारे 1/2 कहाँ पर होगा, 1/2। तो इस प्रकार से मान के चलिएगा कि इसके छोटे छोटे 10 खाने करेंगे, ये 0 और 1 के बीच में छोटे छोटे इस 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, यानी 10 आप 10 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, अमूमन 10 में ही किया जाता है, ये आप 5 में कर लीजिएगा, 2 3 4 5, तो 1/2 तो हमारा यहाँ पर होगा 1/2 और 1/3 हमारा यहाँ पर होगा। ये अगर नंबर लाइन पर इन दोनों नंबरों को हम रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से करेंगे, पहले ही खाने में ये दोनों नंबर आएंगे हमारे 0 और 1 के बीच में। अब हमारा बचा क्या है, ये इतनी जगह बची हुई है, ये जो जगह बची हुई है इसके बीच में कोई रेशनल नंबर है या नहीं है। है कितने हैं, आप जितने चाहो उतने हैं, जितने नंबर आप इतने बीच में आप जितने नंबर निकालना चाहते हो, जितने रेशनल नंबर निकालना चाहते हो उतने हैं। आप 24 घंटे निकालते रहिए, निकलते रहेंगे, आप जीवन भर निकालते रहिए, निकलते रहेंगे, कभी निकलना बंद नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन टू रेशनल नंबर, अर्थात दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर यानी इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर लाई करते हैं यानी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जब हम आपसे ये कहें, ये रेशनल नंबर का मतलब इस प्रकार से संख्या है, जब हम आपसे ये कि क्रमागत दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक पड़ते हैं, जैसे जब हम गिनती लिखते हैं 1 2 3, क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले, 2 के बाद तुरंत 3 आता, अब बताइए इसके बीच में कितनी संख्याएं पड़ रही। संख्याओं से मतलब है कितने पूर्णांक पड़ रहे। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे अभी हम आपसे कहें 10 रुपये, तो ये पूर्णांक कहा जाता है हमारा, ये क्या हो गया पूर्णांक। लेकिन हम आपसे जब ये कहें 10 रुपये 50 पैसे, अब ये पूर्णांक नहीं है, अब ये इंटीजर नहीं है, ठीक। तो हम यह पूर्णांक की बात करें, क्या 2 के बाद कोई नंबर पड़ता है, 3 से पहले हम उसे कुछ पढ़ते नहीं, 2 के तुरंत बाद 3 पे जाते, तो 2 पूर्णांकों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं पड़ता है। तो पूर्ण संख्याओं के बीच में कोई भी दूसरी, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में कोई भी दूसरी पूर्ण संख्या नहीं पड़ती है, एक बात ये क्लियर हो गई हमारी, ठीक। ये आपको नहीं कहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया कहा जाएगा ये पढ़ाया जाएगा। अब रहेगी बात ये कि आखिर इतनी संख्या इनके बीच में पड़ती है तो उनको हम फाइंड कैसे करें, पता कैसे करें, अब हम वो सीखते हैं। देखो पता करने का क्या होता है, इनका एडिशन अपॉन टू। अगर केवल एक ही परिमेय संख्या इनके बीच में हमसे पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 1/2, 1 प्लस 1/3 का एडिशन करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/3 इनका एडिशन करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ये 2 से डिवाइड हो गया, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, किसी संख्या में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना या 2 से डिवाइड कर देना, एक ही बात है। 2 से डिवाइड करने का मतलब है इंटू 1/2। अब इनका एडिशन करिएगा, जब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट इज 5/12। इन दोनों नंबरों के बिल्कुल करेक्ट बीच में जो संख्या पढ़ने वाली है वो पड़ेगी जाके हमारी 5/12। जब हमने इनका एडिशन किया, देखो एडिशन करना बता चुके हो आपको, 3 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 3 2 जा 3 प्लस 2 5, और इनका इनका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6।
वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फाइव का मल्टीप्लाई वन के साथ टू और सिक्स का मल्टीप्लाई टू के साथ ट्वेल्व, यानी फाइव अपॉन ट्वेल्व, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री के बीच में पड़ने वाला नंबर है। अब आप कहो कि हम तो बहुत सी संख्या निकालना चाहते हैं, अब स्थिति क्या बन गई इनकी वो देखिएगा। अब ये नंबर इस प्रकार से हो गए, वन अपॉन टू, इसके बाद है हमारा फाइव अपॉन ट्वेल्व, और इसके बाद है थ्री अपॉन वन अपॉन थ्री, ये स्थिति बन गई। अब क्या करेंगे हम, इनको दोनों का एडिशन करके वन अपॉन टू कर दें तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकल आएगा, फिर इनको एडिशन करके फिर वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके बीच का एक नंबर निकल आएगा। तो इनके बीच में देखो एक दो तीन, तीन संख्या निकल आएंगी। इस प्रकार से हम एडिशन अपॉन टू, एडिशन अपॉन टू, एडिशन अपॉन टू करते रहेंगे और इनफाइनाइटली मैनी संख्याएँ फाइंड की जा सकती हैं, जितनी चाहें उतनी फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि हम उन संख्याओं को एडिशन करें और टू से डिवाइड करें। जैसे एक हम फिर बता रहे हैं कि आखिर वन अपॉन टू और फाइव अपॉन ट्वेल्व के बीच में कौन सी रेशनल नंबर पड़ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे इनका एडिशन करेंगे, पहले वन अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन ट्वेल्व का एडिशन किया और मल्टीप्लाई वन अपॉन टू कर देंगे, यानी टू से डिवाइड कर दिया हमने, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। आप डायरेक्ट करना चाहो तो क्या करेंगे, फाइव को यहाँ भेज, ट्वेल्व को यहाँ भेजें तो ट्वेल्व बन जाए ट्वेल्व, और टू को यहाँ भेजा तो टेन, ट्वेल्व और टेन ट्वेंटी टू, और इनका मल्टीप्लाई कर दें ट्वेंटी फोर, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम इनका आ रहा है ट्वेल्व, टू से ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे सिक्स बार, सिक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ट्वेल्व में ट्वेल्व की टेबल पढ़ेंगे वन बार, वन का मल्टीप्लाई फाइव के साथ, दैट इज ये हो गया हमारा कुल मिला करके, यहाँ वन अपॉन टू भी चल रहा है मल्टीप्लाई में, ये हो गया इलेवन अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू, दैट इज इलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, ये वन अपॉन टू और फाइव अपॉन ट्वेल्व के बीच का नंबर आ गया हमारा। अब एक और निकालना चाहते तो फाइव अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन थ्री के बीच का नंबर इसी प्रकार से फाइंड कर लें, ठीक। तो ऐसे अगर हम पता करना चाहते, अब हम ये कहेंगे इनके बीच के नंबर हमें आप वन अपॉन टू और वन अपॉन थ्री के बीच बीस रेशनल नंबर बताइएगा, कितने बताइएगा, ट्वेंटी रेशनल नंबर हमें निकाल के बताओ। तो क्या यही करते रहेंगे, अगर ये आप करते रहेंगे तो एक सवाल ही आपको करने में करीब दो घंटे चाहिए, और उसके बाद गारंटी नहीं है कि आप इसे सही कर पाओ गलत कर पाओ। तो अब हम बताते हैं आपको, एक से ज़्यादा नंबर जब हमसे पूछे जाए कि नहीं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो उनको निकालने के तरीके क्या हैं, ठीक। अगर एक दो नंबर ही हमसे पूछा जा रहा तो एडिशन अपॉन टू कर दिया आ गया, लेकिन हम तो ये कहते नहीं हमें तो 20 रेशनल नंबर बताओ, जो आपका इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स है उसमें तो 100-100, 500-500 रेशनल नंबर उनके संख्याओं के बीच में पूछते हैं। तो क्या हम एडिशन अपॉन टू करते रहते, कतई नहीं करते, बहुत ही सिंपल मैथड से जितने रेशनल नंबर निकालना चाहो निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए हमें क्या करना है वो चीज़ समझ, अभी हमने कहा है कि वन अपॉन टू और वन अपॉन थ्री के बीच में 20 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इनके डिनोमिनेटर को पहले सेम करें। तो डिनोमिनेटर को सेम करिए पहले, तो डिनोमिनेटर को सेम करने से मतलब है थ्री का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, टू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो थ्री का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्स, और ये हो गया हमारा है टू अपॉन सिक्स। देखिएगा इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देखिएगा कि थ्री से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो इनके पास तुरंत आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमिनेटर के बीच का गैप बढ़ाएंगे, न्यूमिनेटर के बीच का गैप बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमिनेटर के बीच का गैप बढ़ाएंगे। अभी थ्री और टू में केवल वन का अंतर है, तो एक ही परिमेय संख्या इसके बीच की हम निकाल सकते हैं, यानी वो क्या निकलेगी, जाके थ्री से वापस आएंगे, एक का भी गैप नहीं दिख रहा, एक का दिख रहा है तो एक निकाल सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करें, हमने कहा बीस से, तो बीस में से एक कम करो आप, कितना आ गया 19, यानी 19, आप 19 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जब 19 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 19 का इसमें करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई इसमें, 19 का मल्टीप्लाई इसमें, तो न्यूमिनेटर भी हमारा सेम रहेगा और इनके डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, यानी हर समान रहेंगे और अंश के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। करिए 19 57 और 19 6 114, ये आ गया आपका 19 2 38 और ये हो गया 140। देखिएगा 57 और 38 बीच की दूरी बढ़ गई। अब देखिएगा इनके बीच के 20 रेशनल नंबर हम लिखना चाहते हैं, आराम से हम लिख सकते हैं। 57 से वापस आइएगा, 57 से वापस आइएगा तो क्या पड़ेगा, इस पहला नंबर 56 अपॉन 114, फिर पड़ेगा 55 अपॉन 114, फिर पड़ेगा 54 अपॉन 114, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखते चले आइएगा और आप आएंगे हमारे 39 अपॉन 114 तक।
अब आप देख लीजिए कि कितनी हो गई, ये आपका सिक्स इधर है, सिक्स इधर है, 50 के आगे सिक्स हैं और इधर 10 हैं, तो कितनी हो गई, 16 हो गई, और एक 40 और 39, अभी 18 ही हो पाई हैं, 20 चाहिए। इसका मतलब है कि आप 20 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। कहने मतलब ये कि हाँ 20 देखो नहीं मिल पाई, अभी भी हमारी 16 18 या 19 हो पा रही हैं, 18 या 19 के 39 और 40 दो ये हो गई, और 6 ये हो गई, 8 और 10 41 लेके 50 तक 18 ही रेशनल नंबर हमारे हो पाए, 20 नहीं हो पाए। इसका मतलब हमने ये कहा कि इनके न्यूमिनेटर को सेम रखते हुए डिनोमिनेटर के बीच का गैप बढ़ाते, तो हमने एक कम करके किया था, वैसे रूल यही है एक कम करके निकल आते, लेकिन यहाँ पर नहीं निकले। आप चाहो तो 20 का ही मल्टीप्लाई कर दो, 21 का कर दो, एन प्लस वन कर दो, अगर 21 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो आपको फिर 20 आराम से इसकी परिमेय संख्या इनके बीच ही निकल आएंगी। ये रिलेशन है, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज में पूछा जाएगा ऐसा शायद कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें एक से अधिक परिमेय संख्याएं पूछी गई हों। ठीक है, हो सकता कोई और एक्सरसाइज उसमें एक से अधिक पूछी जा रही हूँ, तो एक से अधिक जब रेशनल नंबर हमसे पूछे जाए तो निकालने के ये तरीके, डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमिनेटर के बीच का गैप बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ एक कम किया था, आप एक प्लस करके यानी 21 है तो 20 है तो 20 में एक एडिशन कर दो, 21 हो जाएगा, तो 21 का मल्टीप्लाई आप 1 अपॉन इसमें 3 अपॉन 6 और 2 अपॉन 6 में जब करेंगे तो जब संख्याएं बनेंगी जाके उनके बीच की, आराम से आप 20 संख्याएं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज। केवल इसमें इतनी कॉन्सेप्ट थी कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से अधिक परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से फिट करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइएगा, ऑप्शनल है पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, और बहुविकल्पी टाइप है, तो देखिएगा कैसे करना। केवल एडिशन अपॉन टू करेंगे, एडिशन अपॉन टू का मतलब आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये -1 प्लस -1/2 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसे लिख लो, या आपके यहाँ पर कम समझ में आता आप इस प्रकार से लिख लो, -1 प्लस -1/2 और 1/2 बाहर कर दो, जो ये 2 लगा हुआ है वो अब यहाँ पर पहुंच गया है, तो इनका एडिशन करना है हमको, तो एडिशन करने के लिए क्या करना है, -1 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी सेम साइन का एडिशन करोगे तो साइन वही रहेगा, और ये 1/2 यानी आधा और एक कितना हो गया बेटा, 1.5 यानी 3/2, और इनटू में 1/2 चल ही रहा है यहाँ पर ये। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/4, -1 और -1/2 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो है हमारा -3/4। -3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर कैसे पता करेंगे, एडिशन अपॉन टू, क्वेश्चन नंबर 2, -3 प्लस 4/2, तो -3 प्लस 4 कितना बचेगा, कहने मतलब ये है कि आपके पास 4 रुपये 3 खर्च कर दिए, कितना बचा, 1, तो ये बचा हमारा 1/2, इसके बीच का रेशनल नंबर 1/2। क्वेश्चन 3, -1 और 1 के बीच ठीक परिमेय संख्या क्या, एडिशन अपॉन 2, -1 प्लस 1/2, ये देखो -1 प्लस 1 हमारे पास 1 रुपया वो भी खर्च कर दिया, जेब खाली, दैट इज 0/2, फाइनली आ गया हमारा 0, तो इसका क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन 4 में देखिएगा, एक आ जा रहा 1/3 और 1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था वही सवाल है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 एडिशन किया और मल्टीप्लाई 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब एडिशन किया था इनका कितना आ जाता, ये 5/6 इंटू 1/2, फाइनली हो गया हमारा 5/12, बस इतना करके बता। क्वेश्चन 5, 7 -7/2 प्लस 7/2 के ठीक बीच, दोनों संख्याएं सेम क्वांटिटी की अपोजिट नंबर है, एडिशन करेंगे 0 हो जाएगा, तो इनके ठीक बीच, जैसे अभी हमने निकाला था -1 प्लस 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या, आप नंबर लाइन पर भी जाएं तो -1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो इनके ठीक बीच जो परिमेय संख्या आ रही है वो 0 आ रही है। इसी प्रकार से -7/8 इधर है, +7/8 इधर, तो ठीक बीच में कौन आएगा, 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो -7/8 +7/8/2 करेंगे तो ये आपस में सेम क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन है तो 0 हो जाएगा, 0/2 दैट इज 0, ये 5 का हो गया। 6 में है
माइनस थ्री अपॉन फाइव, एट अपॉन थ्री के ठीक बीच एक परिमेय संख्या हमें पता करनी, देखिए कैसे करनी, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा सिक्स क्वेश्चन क्या है। सिक्स क्वेश्चन हमसे कहा गया कि माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस एट अपॉन थ्री, इनका एडिशन करेंगे और वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके ठीक बीच का रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। एडिशन कैसे करेंगे, थ्री का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थ्री थ्री जा नाइन, एट फाइव जा फोर्टी अपॉन थ्री फाइव जा फिफ्टी। इस प्रकार से भी दो नंबरों का एडिशन तो किया जा सकता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इनका आपस में, ठीक है। तो 40 में से 9 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 31 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2, दैट इज 31 अपॉन 30। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सिक्स। और देखिएगा सेवन, सेवन क्वेश्चन में भी हमसे ये कहा जा रहा है कि माइनस फाइव अपॉन फोर और माइनस वन अपॉन सिक्स के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बता दे रहे हैं। क्या यहाँ पर हमारा सेवन में माइनस फाइव अपॉन फोर प्लस माइनस वन अपॉन सिक्स, इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको बतानी, तो हमने डायरेक्ट फार्मूले में ही रखा है, इनको एडिशन कर रहे हैं। एडिशन करने के लिए देखो अपनी तरफ से हमने प्लस साइन लगाया है और इस नंबर को माइनस में लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका साइन हटा देंगे। इस प्रकार से माइनस फाइव अपॉन फोर और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन सिक्स, और ये हो गया वन अपॉन टू अपनी जगह, सेम साइन का एडिशन, सेम साइन वही साइन रहेगा जो उनके पास है। एडिशन कर लीजिएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, छः पंचे तीस, माइनस के थर्टी, माइनस के फोर अपॉन 24, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इनका आपस में करके रख दिया, और ये वन अपॉन टू रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गए फाइनली हमारे माइनस के 34 अपॉन 24 और इनटू में वन अपॉन टू है। अभी देखो छोटा करने के लिए हम चाहें तो इनको कटिंग कर सकते हैं, टू से कटिंग हो रही थी, ये लिख सकते हैं 17 और ये लिख सकते हैं 12, अब कटिंग नहीं होगी, फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 बन जा 17 और 12 टू या 24, यानी माइनस 17 बटे 24 जो है वो इन दो नंबरों के बीच की परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एट में भी कहा गया, तो एट समझिएगा क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप। एट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि वन होल थ्री अपॉन फोर एंड फोर होल थ्री अपॉन एट, इनके बीच की हमें परिमेय संख्या चाहिए। तो पहले इनको विषम भिन्न बना लें, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किस प्रकार से चार एक चाहती है, बारह, 12/4 प्लस का साइन लगा दे रहे, 8 6 32 3 35/8। किसी नंबर को जो भिन्न होती है उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हर समान करने होते हैं, हर समान कर लो या आप इस प्रकार से क्रॉस कर लो या इनके हर समान ऐसे ही कर लो। यहाँ चार है, यहाँ आठ है, हम यहाँ भी आठ बना सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई बाई टू, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 24 अपॉन एट और ये 35 अपॉन एट है। जब इनका एडिशन हम करेंगे जा करके तो ये हो जाएगा जा करके हमारा 59 अपॉन एट। ये तो संख्याओं का एडिशन हुआ, लेकिन इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या अगर हमें फाइंड करनी है तब क्या करते हैं, इस प्रकार से एडिशन करने के बाद आप कर दो वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई, या शुरू से ही चल देते, यहां से भी चल सकते थे क्योंकि परिमेय संख्या फाइंड करें तो शुरू से ही चलिएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 59 अपॉन 16। अब चूंकि देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, हम इसे भी तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, यानी 16 का भाग 59 में दो बार तो तीन बार तो कंप्लीट जा ही रहा, 16 3 48, अभी कितने बच गए, 59 रुपए में से 16 16 करके तीन बार पूरे पूरे खर्च कर लिए हमने, बचे कितने ऊपर, यानी हमारे बच गए हैं 48, दो इधर बचे, 9 उधर बचे, यानी 11/16। ये जो संख्या है वो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक बीच की है, ये नहीं थोड़ा भी गैप हो इधर आगे पीछे, नहीं बिल्कुल ठीक बीच की, क्योंकि दो संख्याओं का एडिशन अपॉन टू करेंगे तो उनके बिल्कुल मध्य में पड़ने वाली संख्या ही निकलती है, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नाइन भी है, आप देखिएगा नाइन, नाइन में भी हमसे कहा गया कि माइनस वन होल टू अपॉन सेवन और नाइन अपॉन टू के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बतानी है, एडिशन अपॉन टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 दूनी 14, 14/7 माइनस, नहीं सॉरी, 7 × 7 2 9,
नाइन अपॉन सेवन, और ये है हमारी नाइन अपॉन टू। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो हर समान, इसमें सात का मल्टीप्लाई करो, यहाँ दो का करो, एक ही बात है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको, और यहाँ वन अपॉन टू भी लगा दो, तो नौ दूनी 18 माइनस के हो जाएंगे, और सात निम 63 प्लस के हो जाएंगे, और सात दूनी 14। इस तरीके से दो फ्रैक्शन को हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया करें, तो एक स्टेप कम हो जाता है। अब 63 से माइनस के 18 खर्च कर दीजिएगा तो कितने बचने वाले हैं, 63 से जब 18 खर्च करोगे तो 63 से ऊपर के 13 खर्च कर दो तो 50 बचे, अब बच गए हमारे पास 5, यानी 45। 45 अपॉन 14 इंटू वन अपॉन टू, कोई किसी से कटिंग नहीं हो रही, तो ये हो गया हमारा 45। 45 अपॉन 28। आप इसे भी मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, जब अंश बड़ा हर छोटा हो तभी मिक्स फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि 63 में से 18 खर्च करेंगे तो हमारे 45 ही बचते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार कंप्लीटली इसका भाग इसमें जाने वाला है, एक बार कंप्लीटली जाने के बाद कितने बचे, 15 और 2 17, 17 बटे 28। ये क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा 9। और लास्ट क्वेश्चन 10 है कि वो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि परिमेय संख्या माइनस 2/3 के बीच परिमेय संख्या, केवल कुछ नहीं ये पूछा जा रहा, देखिएगा आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन 10, हमसे क्वेश्चन 10 में ये कहा गया है, बस कहने मतलब ये है कि हमसे माइनस 2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या पूछी गई, तो एडिशन अपॉन टू, संख्याओं का एडिशन और टू से डिवाइड करने पर उनके बीच की संख्या निकल आती है, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिएगा 1/2 अपनी जगह, अब ये 1/2 इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब देखिएगा ये 4 2 8 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन 3 4 12, एक ही बार में 1/2, इनका एडिशन करेंगे माइनस 8 प्लस 3 का मतलब हो जाएगा -5/12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/24। अब इसे सही बटे में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा है, जब अंश बड़ा हर छोटा हो तो सही बटे में किया जा सकता है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज वन आई के हमने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें हमसे केवल ये पूछा गया था कि किस प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते, इसमें एक्सरसाइज में केवल दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ही निकालना बताया गया था, पूछा गया था और कुछ नहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया था शुरुआत में कि उनके बीच में और अधिक परिमेय संख्याएं भी पता करनी हो तो कैसे करते, उसके दो तरीके, एडिशन अपॉन टू, एडिशन अपॉन टू करते चले जाइएगा, नहीं तो हर को समान करते हुए रखते हुए, हर समान रखते हुए अंशों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं। ठीक, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हो, जैसे 15 पूछी गई तो 15 में एक जोड़ के 16 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके उनके बीच की परिमेय संख्याएं आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।